हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोहर झा विद यू। दिस इज मी मनोहर झा। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि सबसे ज़्यादा किस ब्रांड का और कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है। हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर की बात करते हैं। जो कस्टमर ऑफलाइन मार्केट में आके ऑफलाइन स्टोर से फ़ोन परचेज करते हैं, यहाँ पर अभी हम आपको दरभंगा टावर पर भगत सिंह चौक के पास आपको न्यू मोबाइल जंक्शन है, जिसका जो ओनर है वो आपको मुकेश कुमार उनका नाम है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको सैमसंग का, वीवो का, ओप्पो का, यानी जो भी ब्रांड है आपको, रेडमी, रियलमी, सभी के आपको प्रोमोटर यहाँ पे मिलेंगे। हम आपको स्टोर के अंदर जाके ये दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे जो सबसे ज़्यादा किस ब्रांड का और कौन सा मॉडल यहाँ पे सेल हो रही है। जैसे आपने पहले वाले वीडियो में देखा था जो मैंने बनाया था, जिसका पार्ट वन आया था, तो सबसे ज़्यादा किस ब्रांड का और कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, तो आपको लेके चलते हैं हम न्यू मोबाइल जंक्शन में और दिखाते हैं, और कौन सा ब्रांड आपको उस स्टोर में देखने को मिलेगा वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आनंद हुआ और वीवो मोबाइल से आया। तो इनका नाम आनंद है और ये वीवो के प्रमोटर हैं। तो मुझे सर ये जानना है, जैसे मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने जाके देखा था कस्टमर सबसे ज्यादा ओप्पो का A54, सैमसंग का A12, A15s, वीवो का Y12G, Y12s, ये सारे फोन वहाँ पे यूज हो रहे थे। तो मुझे ये जानना है इस आउटलेट से, जो सबसे ज्यादा इस आउटलेट पे किस ब्रांड का और कौन सा मॉडल सेल आउट होता है, और कोई भी कस्टमर आउटलेट के अंदर आता है तो सबसे ज्यादा किस ब्रांड को प्रायोरिटी देके आता है अंदर, और कौन सा मॉडल रहता है, ये चीजें हमें आपसे जानना है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो कस्टमर का ये रहता है कि MI का फोन दिखा दीजिए या तो Realme का फोन दिखा दीजिए, क्योंकि वो कम रेंज में ज्यादा फीचर्स दे देता है, ऐसा उन लोग का ऑनलाइन कहना है, और प्राइस भी रिजनेबल रहता है कस्टमर के हिसाब से। तो बाय बॉक्स भी देखा जाए या स्पेसिफिकेशन से भी कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली आपको रियलमी और रेडमी ज्यादा फीचरेबल रहता है, ज्यादा स्पेसिफिकेशन उसका बेटर रहता है ये ऑफलाइन के टारगेटेड फोन के कंपेयर में। लेकिन मैंने जो जैसे वीडियो में देखा था, तो वहाँ पे ओप्पो का A54, A15s, फिर आपको A55, ये सारे फोन तो यूज हो रहे थे, सैमसंग का A12, तो वो कैसे सर यहाँ पे आने के बाद, आप जैसे आप वीवो के प्रमोटर हैं तो आपका भी फोन सेल आउट होता होगा, ओप्पो के प्रमोटर होंगे तो ओप्पो का भी फोन सेल आउट होता होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिला A15s, A54, A12, ये सब फोन। तो फिर रियलमी, रेडमी भी तो है, लेकिन हमको ये बताइए जो जैसे A55 जब स्पेसिफिकेशन में वो ज्यादा बेटर है, तो कस्टमर कैसे ले लेता है A55, A54, A15s? वो तो ऑनलाइन चेक करके आते हैं, बट जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हम लोग के पास एक्स्ट्रा मोबाइल कंपनी प्रोवाइड करती है कि आप एक्सपीरियंस करवाएं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है एक्चुअल में। वो लोग सिर्फ नंबर और डिजिट पे आ जाते हैं, बट जब यहाँ पहुँच के उस फोन को, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो हो, सबका डेमो मोबाइल होता है और ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, चाहे रिलायंस डिजिटल हो, कहीं भी आप जाइएगा तो जो ऑथेंटिक है, जो पहले से अवेलेबल है इंडिया में, सैमसंग, नोकिया, ये सब बहुत बड़ी पुरानी कंपनियां और ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो वो सारे लोग अपने इम्प्लॉय को प्लस हर अच्छे आउटलेट पर एक डेमो मोबाइल देते हैं कि कोई भी कस्टमर आए। सबसे पहले इंसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, उसका एक एक पेनी बहुत मेहनत से आता है, तो जब वो आदमी अपना 10,000 या 15,000 रुपया देता है तो उसको उसका पैसा वापस मिलना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो आते हैं रियलमी और रेडमी मांगते हुए, हम लोग दिखाते भी हो, बट हम लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर आप क्या खोज रहे हैं, आखिर क्या वजह था, हमारे पास इससे भी अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो लोग जब पूछते हैं कि ठीक है कौन सा प्रोडक्ट है, तब हम लोग पिच करते हैं कि सैमसंग देख लो, ओप्पो देख लो, फिर इस सब प्रोडक्ट में वो लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो बताते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, मतलब एकदम लाइव एक्सपीरियंस करते हैं इस मॉडल का। तब वो लोगों को पता चलता है कि नहीं, जो पुरानी कंपनी पहले से रन कर रही है, जस्ट लाइक सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो, लोग बहुत पुरानी और ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो वो लोग कस्टमर फिर जात में जा करके अपना डिसीजन चेंज करते हैं और ओप्पो और वीवो को सिलेक्ट करते हैं।
तो इनका कहना है जो अगर आप आउटलेट पे आइएगा यहाँ पे ओप्पो वीवो सैमसंग के आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से डेमो फोन प्रोवाइड किया जाता है लाइव एक्सपीरियंसेस के लिए, मतलब आप उस फोन को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कैसा है। लेकिन रियलमी रेडमी वगैरह में आपको इनबॉक्स फोन कैसा है बस आप चेक कर सकते हैं, जो कैसा फोन दिख रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है, मतलब एक्सपीरियंस लेके आप फोन को नहीं ले सकते हैं। तो कस्टमर जैसे यहाँ पे आते हैं, आने के बाद आपको फोन देखने के बाद उसका डिजाइन, जो भी कैमरा वगैरह जो भी चेक करते होंगे उसके अकॉर्डिंग वो फोन उनको पसंद आ जाता है और वो फोन ले लेते हैं। तो सर जैसे आपने बताया जो ओप्पो का A55 या A54 या जो भी फोन उसके कंपैरेटिवली तो अच्छी चीजें दे रही थी, वहां पे आपको जैसे 13 मेगापिक्सल था यहां पे 48 मेगापिक्सल, तो फिर कैसे कस्टमर मूव हो जाता है? सर अगर आप पिक्सल के बारे में नंबर पे बारे में आते हैं तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि 1 मिलियन पिक्सल बराबर 1 मेगापिक्सल होता है। इट्स जस्ट अ नंबर। एप्पल में तो 12 मेगापिक्सल लिखा रहता है तो उसका 1.5 लाख रुपया दाम है। ठीक सर, जैसे आप प्रोसेसर की बात करेंगे उसमें भी तो ये ज्यादा दे देती है आपको, ये आपको रेडमी रियलमी। अच्छा ये बताइए सर, जो ऑफलाइन में कस्टमर आते हैं उनको ये चीजें पता रहती है जो रैम टाइप क्या है, कैमरा क्या है, कौन सा प्रोसेसर है, डिस्प्ले का क्या टाइप है, कि सीधा वो डिजाइन वगैरह देख के कैमरा क्वालिटी देख के परचेज कर लेते हैं? सर आज के डेट में जो ना इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, हर लोगों के घर में स्मार्टफोन है, 4G मोबाइल है और पहले से लोग सब कुछ रिसर्च कर सकते हैं। लोग मोबाइल ऑनलाइन अगर पूछते हुए या सोचते हुए आ रहे हैं तो वो सब कुछ रिसर्च करके आते हैं कि कौन से कंपनी के अंदर कौन सा रैम है, कौन सा रोम है, बैटरी किस कंपनी का लगा हुआ है, कैमरा किस मेगापिक्सल का लगा हुआ है। बट हम लोग पिच इसलिए नहीं करते हैं रियलमी MI को कि उसके साथ बहुत सारे एक्सेसरीज है जो कि नहीं के बराबर मिलते हैं, ना अच्छा बैटरी चार्जर मिलता है, ना उनके साथ कवर मिलता है, उनका बैक क्वालिटी एकदम जैसे बहुत सारे मॉडल में पॉलीकार्बोनेट का बैक रहता है, ग्लास बैक नहीं होता है जो दिखने में सुंदर नहीं होता। जब कैमरा आप ओपन करते हैं तो कैमरा में जो पिक्सल होता है वो सोनी का लगा हुआ है या कोई सेंसर ही नहीं है, बस इट्स जस्ट अ नंबर दे दिया। सैमसंग एक ऑथेंटिक ब्रांड है जो अपना ही मेगा पिक्सल बनाता है अपने नाम से, जो कि आज सारे लोग उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा सर, कोई प्रीमियम फोन लेने के लिए आता है जैसे फ्लैगशिप फोन जो 30-50,000 से ऊपर होते हैं उसमें कस्टमर ज्यादा किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं? अगर कोई फ्लैगशिप लेवल का फोन यूज करता है इसका मतलब वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही ऊंचे पोस्ट के लोग हैं, उनके लिए नंबर मायने नहीं रखता है, फोन अच्छा होना चाहिए। कौन से ब्रांड को प्रेफर करते हैं? वो उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है सैमसंग, सेकंड पे एप्पल, उसके बाद ओप्पो। तो जैसे हम फ्लैगशिप में अभी आपको रेनो 6 वगैरह बिक रहा है, रेनो 6 प्रो, सर हम ये जानना चाह रहे थे सर जैसे ये सैमसंग का भी फोन तो सेल आउट होता होगा, अब ये बताइए किसी कस्टमर को सिक्योरिटी वगैरह या एंड्रॉयड अपडेट वगैरह भी जानना जरूर रहता है कि बस वो लुक वाइज फोन लेके बस कैमरा देख के बैटरी देख के लेके चले जाते हैं? देखिए जो लोग प्रीमियम सेट लेने आते हैं जिनको, तो वो लोगों को पता रहता है कि मेरा फाइल में एक नंबर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आदमी लोग चुरा नहीं सके, क्योंकि आज आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसमें आपका नंबर मांगा जाता है, आपका डिटेल्स मांगा जाता है, एक्सेस किया जाता है, कोई भी ऐप ओपन करने यहाँ पे आप मीडिया कॉन्टेक्ट वगैरह शेयर करना अलाउ करना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बायोडाटा या मेरा कुछ भी किसी के पास जाए, इसलिए प्रीमियम सेगमेंट के फोन में नोकिया और सैमसंग का कोई जोड़ा नहीं, क्योंकि वो ट्रस्टेबल एक ब्रांड है, बहुत पुरानी कंपनी। तो फिर सर सैमसंग का भी तो अच्छा अच्छा फोन आता है, अगर लो बजट में आप जाइएगा अंडर 15,000 में तो M12, F12, A20, A12 ये सारे फोन है, तो फिर ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं A54, A55, A15 इसको? वो इसलिए फोन को प्रेफर करते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, जो दिखता है वो बिकता है, मतलब आज इंडिया के टी-शर्ट पे ओप्पो लिखा हुआ IPL वीवो लॉन्च कर रहा है, समझ गए, एक हाइप क्रिएट कर चुकी है और हमको लगता है जो डिजाइन देख के ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो इसका डिजाइन अच्छा है उसको बिल्ड क्वालिटी एंड वो जो क्या उसमें मिला वो उससे मतलब नहीं, कल का चिंता नहीं कर रहा है कैमरा। हाँ ये चीज आपने बताया जैसे कल का क्या होगा, तो कल के लिए तो यही ब्रांड है जो आप कल क्या आएगा, एंड्रॉइड अपडेट वगैरह भी मायने करता है, तो कस्टमर ये चीज ऐसे मतलब कस्टमर को इनसे क्यों मतलब है? कैमरा अच्छा होना चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए और बैटरी लॉन्ग टाइम नहीं कोई देखता नहीं, लॉन्ग टाइम वो किसी से कोई मतलब नहीं है। बट वीवो और ओप्पो इस सिचुएशन में, जबकि नोकिया और सैमसंग बहुत पुरानी कंपनी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ब्रांचेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका सर्विस सेंटर, ऐसा भी तो है सर जैसे आपने बताया वो है ही सर्विस सेंटर, सैमसंग भी तो हर जगह सर्विस सेंटर प्रोवाइड कर रही है, बहुत ज्यादा रीचेबल आपको सर्विस सेंटर दे देती है हर जगह और अच्छा सर्विस सपोर्ट भी है कस्टमर के लिए सब कुछ।
कम पैसे में भी सैमसंग सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह दे देती है, अच्छा फोन रहता है सैमसंग का भी। तो सैमसंग से कोई निगेटिविटी भी है कस्टमर का? ठीक है, कस्टमर का निगेटिविटी किस वजह से है, क्योंकि सैमसंग का पता नहीं पहले का प्रोसेसर कौन सा होता है, जिसके वजह से बहुत मे बी मोबाइल स्लो काम करता है। या हो सकता है कि आप एक छोटा सा 1 BHK का रूम लेते हैं और उसमें 8 लोग अड़ जाते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि 1 GB का रैम है, हम उस हिसाब से ही उसका काम करेंगे। इसलिए से परसेप्शन बदला नहीं है, जैसे हीरो का गाड़ी और नोकिया का मोबाइल रीसेल वैल्यू। अब बस हमको एक चीज बता दीजिए लास्ट में, जो सबसे ज्यादा किस कौन सा मॉडल बिकता है किस ब्रांड का सबसे ज्यादा, ये नहीं बताना है जो किस में फीचर मिलता है, यहाँ की सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल यहाँ से सेल आउट होती है सबसे ज्यादा। आज के डेट में अगर ओप्पो का बात करें, ओप्पो नहीं, सबसे ज्यादा कौन से ब्रांड का कौन सा मॉडल सेल आउट होता है डे टू डे रोज रोज, मतलब ओप्पो, रियलमी, एमआई और सैमसंग। तो जैसे इनसे मैंने बात किया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओप्पो का, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाए थे तो सबसे ज्यादा किस ब्रांड का कौन सा मॉडल सेल आउट होता है, तो आप देखे थे A54 A15। तो बेसिकली यही चीजें हो रही है ऑफलाइन मार्केट में। आपको लोगों को डिजाइन से मतलब है, अच्छा कैमरा होना चाहिए, अंदर क्या कितना ड्यूरेबल है, वो एंड्रॉइड अपडेट क्या होती है, सिक्योरिटी के उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ज्यादा अभी आपको सेल आउट यही ब्रांड हो रही है। तो इसका पार्ट टू भी हम लाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।